क्वेश्चन शुरू करते हैं यहाँ से. माय क्वेश्चन इज, हम लोग का बहुत इंटरेस्ट, बहुत कुछ में इंटरेस्ट होता है कि ये करूँ वो करूँ, बहुत सारा इंटरेस्ट होता है. लेकिन जब हमें कुछ चूज करना होता है उसमें, तो हम एक जो इंटरेस्ट सबसे अच्छा लगे तो वो चूज करके हम लोग आगे निकलते हैं कि सोचते हैं कि ये हमारा पैशन है. लेकिन आगे चल के पता चलता है कि नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा है यार, इससे कुछ सोसाइटी को या कुछ किसी को अच्छा फायदा नहीं हो रहा है. तो हमारा ये कन्फ्यूजन कैसे क्लियर करें कि हमारा एक्चुअल ड्रीम क्या है, हमारा एक्चुअल पैशन क्या है, कैसे सिलेक्ट करना है पैशन. तो इनका क्वेश्चन ये है कि हम शुरू तो कर देते हैं, मतलब अट्रैक्ट हो जाते हैं. बेसिकली आपका जो फर्क है ना, उसको मैं डिटेल में बताने वाला हूँ अपने अगले सेशन में, जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेज लॉ ऑफ लव. उसके अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं आपको प्रैक्टिकली शॉर्ट में समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू. आपको पब्लिक स्पीकिंग कैसी लगती है, मतलब बोलने में, स्टेज पे आने में डर लगता है या घबराहट होती है? थोड़ा होती है. आ जाओ स्टेज पे, आ जाओ, आ जाओ. यार करेज चाहिए यहाँ पर आने के लिए. टेंशन तो नहीं हो रही? बहुत हो रही है. माइक ले लो, माइक ले लो. हाँ, बहुत हो रही है. देखो बेसिकली क्या होता है, हम सबकी लाइफ में बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं. प्यार और अट्रैक्शन के बीच का फर्क पता है ना सबको? पता है, कुछ लड़के थोड़ा ऐसे खुफिया तरीके से देखे. क्या बात कर रहे हैं, कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो. फेसबुक पे यही तो करते रहते हैं पूरा दिन बैठे बैठे. प्यार के लिए एक अलग प्रोफाइल, अट्रैक्शन के लिए एक अलग प्रोफाइल. कुछ कमरे में मेरी फोटो लगाई होती है. लोग सोचते हैं वहां पे लड़की सोच रहे थे संदीप महेश्वरी से चैटिंग कर रहे हैं. एनी हाउ, तो बेसिकली क्या होता है कि हम सबके साथ नहीं होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ में होता है कि हम बहुत सारी चीजों की तरफ, बहुत सारे कामों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. कोई दोस्त आया, उसको देखा कुछ करते हुए, एकदम से लगा कि यार ये चीज बढ़िया, ये कर लेता हूँ. किसी को कुछ करते हुए देखा, अरे यार ये बढ़िया, ये कर लेता हूँ. किसी को टीवी पे देखा एक्टिंग करते हुए, अरे यार ये बढ़िया, ये कर लेता हूँ. कॉलेज में गए, वहां पर प्ले चलता हुआ देखा, यार अगर प्ले करूंगा तो बहुत मजा आएगा, ये पढ़ाई वढ़ाई में क्या पढ़ा. होता है ऐसा सबके साथ होता है? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस. रिलेटेड हैप्पी बर्थडे. तो अब बेसिकली क्या होता है, हम अट्रैक्ट हो जाते हैं. अट्रैक्ट कैसे होते हैं, अब मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ जो आकर के मुझे बोलते हैं, कहते हैं सर आपको इस स्टेज पे बोलते हुए देखा, मजा आ गया सर, यही करना है मुझे, यही करना है. मैं पूछता हूँ क्यों करना है, कोई जवाब ही नहीं होता. सर बस मजा आएगा. मैं उनको बताता हूँ, मैं बताता हूँ आपको क्यों करना है. आपको नाम चाहिए, नेम, फेम, मनी, यही तीन चीजें चाहिए ना. चलो मनी को भी छोड़ो, आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, कि बस आपको लोग देखें, करें ये वो, तालियां बजाएं, तारीफ करें, ये करें. कहता हाँ सर ये बात तो है, ये बात तो है, मतलब यहाँ पर आकर के थोड़ा सा अटक जाते हैं. तो अब हम दो तरीके से कुछ करके देखते हैं. आप भी मान लो, अज्यूम करो कि आपने मुझे यहाँ पे स्टेज पे बोलते हुए देखा या मेरे सेशंस को देखा और आप अट्रैक्ट हो गए. मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो, मेरे सेशन की तरफ. कुछ लोग समझ नहीं आया. जिनको नहीं आया था. हाँ, तो जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स होते हैं उनको बहुत पैसा मिलता है, एक एक सेशन का 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, मतलब ऐसे ऐसा पैसा मिलता है एक एक दिन का, इतना इतना इसके अंदर लोगों को मिलता है. वो मैंने एक प्लेज दिया हुआ है कि आई नेवर टेक मनी, बट स्टिल कोई अट्रैक्ट हुआ, उसको समझ आया, देख करके लगा कि यार इसमें तो नाम भी है, फेम भी है, पैसा भी है, ये भी है, वो भी, सब कुछ है, जो मुझे चाहिए वो सब कुछ है, मजा आया, चल मैं ये करता हूँ. और आप आ गए यहाँ पे करने के लिए, आप आ गए स्टेज पे. अब बेसिकली आप किस लिए कर रहे हो,
आप कर रहे हो नेम फेम मनी के लिए, कि आपका नाम होगा, आपको पैसा मिलेगा, पैसे से आप चीजें खरीद सकते हो, बहुत सारी चीजें। अब आपको अनस्टॉपेबल सेशन में जो मैंने बात बोली थी ना दो लोगों के बीच का फर्क, उसको एक अलग एग्जाम्पल के थ्रू, मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। आपके मन में आ रहा है कि यार मेरे को ये चीजें मिलेगी, ये होगा वो होगा, अभी सेशन को जैसे ही खत्म करूंगा मेरे को 2 लाख रुपए का चेक मिलेगा और मजा आ जाएगा, बस ठीक है। ये आपका इंटरेस्ट है, ये सब चीजें कहाँ है, नेम फेम मनी, ये सब चीजें बाहर बाहर है। देखो जो भी चीज टेम्पररी है वो सब चीजें बाहर है, नेम फेम मनी इट्स ऑल टेम्पररी, आज है कल नहीं है। आज अगर कोई नाम के पीछे भाग रहा है तो क्या गारंटी है कि कल उसका नाम बदनाम नहीं होगा? आज अगर मैं ये कर रहा हूँ अभी नाम है, कल पता लगेगा बदनाम हो गया, लोग बोलेंगे कितना बेवकूफ आदमी है, देखो कितना घटिया आदमी है। तो नाम और बदनाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक दिन का फर्क होता है, एक दिन का, एक मिनट का फर्क होता है, समझ गए? तो ये सब चीजें बाहर की है, मतलब कि ये कहां से आ रही है, बाहर से आ रही है। नेम मिलेगा बाहर से, फेम मिलेगा बाहर से, पैसा मिलेगा बाहर से, जो चीजें हमारे हाथ की ही नहीं है जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें एनर्जी नहीं है, दैट इज ग्रीड, जहां पे नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव एनर्जी है। तो अब बेसिकली आपको क्या करना है, अब आप बेसिकली वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, आप यहां पे आ जाओ, यहां पर आ जाओ और आपने लोगों को मोटिवेट करना है। मैं आपको एक लाइन बोलूंगा, उसको आपने अपनी पूरी एनर्जी के साथ में सबको बोलना है, सिंपल है। गिर गया तो क्या हुआ, बोलो पूरी एनर्जी के साथ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, बस इतना सा करना है, के उठकर फिर से चलना है, के उठकर फिर से चलना है। ये इन्होंने इस काम को किया नेम फेम मनी के लिए, आपके सामने है। अब एक अलग एंगल देखते हैं, ये जो काम आप करने वाले हो, ये जो आप बोलने वाले हो, आपको ना नाम चाहिए, ना फेम चाहिए, ना पैसा चाहिए, मिले तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक, इनफैक्ट नाम का बदनाम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग आपके बारे में अच्छा बोले बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इमेजिन करने की कोशिश करो, आंखें बंद कर लो, आप अपनी आंखें बंद कर लो, इसको इमेजिन करने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना। और अब इसके बाद में एक बार दोबारा से बोलेंगे, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस आएगा। और बेसिकली आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे ये काम को करना है, क्यों करना है, क्योंकि जब भी आप इसको करते हो, आप ऐसा कुछ करते हो, जब स्टेज पे आकर के आप बोलते हो तो आपको टाइम का पता ही नहीं लगता, आप भूल जाते हो कि कितनी देर हुई है, 1 घंटा होता है, 2 घंटा होता है, बोलते बोलते आपको लगता है कि 5 मिनट ही हुए, मतलब टाइम ऐसे निकल जाता है और आप बहने लग जाते हो। एक होता है ना, कुछ काम हम करते हैं फ्लो में आ जाते हैं, फ्लो में आ जाते हैं, अपने आप ही चीजें होने लग जाती हैं, हम कर नहीं रहे होते, चीजें अपने आप हो रही होती हैं, जैसे पानी अपने आप बह रहा होता है, तो आप पानी की तरह बहते हो जब इस चीज को करते हो, हवा की तरह आप चलने लग जाते हो, आप मस्त हो जाते हो, मतलब आपको होश ही नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। तो ये बेसिकली अब आप किसके लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, आपको प्यार है इससे। और इस पूरी दुनिया में सिर्फ आपके अंदर वो पावर है कि अगर आप चाहो तो अपने वर्ड से यहां पर बैठे हुए हर इंसान को हील कर सकते हो। इतनी पॉजिटिविटी है अंदर, हर एक के अंदर इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, अखबारों से, मीडिया से, यहां से वहां से, आपस में बातें करके, गॉसिप करके, कि वो भर चुकी है अंदर यहां पर, और आपके वर्ड्स में इतनी पावर है कि वो एक लहर की तरह आएगी और सारी नेगेटिविटी को बाहर करके बाहर ले जाएगी। मतलब इस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर जितनी नेगेटिव एनर्जी है सारी खत्म, आपकी पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी यहां से, दिल से, दिमाग से नहीं, अब आपने दिल से बोलना है डायरेक्ट यहां से, ठीक है। एक हाथ अपना आप दिल पे रख लो, एक माइक को पकड़ लो, इसको फील करने की कोशिश करो, अब आप अपने दिल से बोलने वाले हो जो भी कुछ बोलोगे, और इस एनर्जी के साथ में बोलना है कि ये सारे लोग यहां पर बैठे बैठे अभी खड़े हो जाए, और खड़े होकर के खुल जाए, मतलब इनको लगे कि बस अंदर ये जो चीज दबी हुई थी ना पता नहीं कितने सालों से निकल गई, खाली होगी, बिल्कुल खाली होगा, और नई शुरुआत करें। गिर गया तो क्या हुआ, गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, बस इतना सा करना है, कि उठकर फिर से चलना है, कि उठकर फिर से चलना है। फर्क था जब पहले इन्होंने बोला और बाद में बोला, उसमें आंखों में कुछ नजर आ रहा था, यस और नो, यस और नो, आपको खुद को फर्क लगा जब आपने पहली बार बोला और दूसरी बार बोला?
बस यही होता है यार, इमोशन चाहिए। इमोशन क्या है? एनर्जी इन मोशन। कोई भी काम को करने के लिए इमोशन चाहिए। और अगर इमोशन ही नहीं है तो बैठे रहो, कुछ नहीं होने वाला। गोल सेटिंग करो, ये करो, वो करो, सोचते रहो बैठे बैठे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, देख लेने जाओ। तो ये करना है कि जब यहां से निकलेगा तो वहां तक जाएगा। लोग कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं पा रहे। हर आदमी को सक्सेस चाहिए लाइफ में, हर आदमी को। यहां कितने लोग हैं जिनको सक्सेस चाहिए लाइफ में? सक्सेस चाहिए, सबको चाहिए। मैं कहता हूं सक्सेस को छोड़ दो, सक्सेस को छोड़ दो। जो कर रहे हो, कोई भी ऐसा काम ढूंढो जिससे आप प्यार कर सकते हो। फॉल इन लव विद व्हाट यू आर डूइंग। सक्सेस कुछ नहीं है, एक परछाई है। अगर प्यार एक पेड़ के जैसा है तो सक्सेस उसकी परछाई है। नेक्स्ट। सर मैं जो भी काम करता हूँ सर, पहले बहुत डर लगती है, फिर मैं उसको स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट करके धीरे धीरे करने का स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जैसे मैं कुछ करने जाता हूँ सर, बहुत प्रॉब्लम आती है। इतना प्रॉब्लम आती है कि लगता है मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं उसके लगा रहता हूँ, लगा रहता रहता है। सर मैंने सीए भी कम्प्लीट किया, सीएस भी कम्प्लीट किया, फिर आईसीडब्ल्यू भी कम्प्लीट किया सर, उसके बाद ही मैंने पीछे नहीं आता। फिर मैंने सीमा का भी एग्जाम दिया, सीमा भी इस बार मैं दिया हूँ सर, लेकिन फिर भी मुझे जॉब करने का मन नहीं करता, मुझे अपना कंपनी खोलने का मन था सर, तो मैंने अपना कंपनी भी खोला, पर अभी इतना प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊं सर, इसी के लिए मैं इसके लिए यहां पे आया हूं सर। आपका जो जवाब है ना, वो आपके सवाल में छुपा हुआ है। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बताऊं कैसे? अभी आपने क्या बोला कि मैं जब भी कुछ करने की सोचता हूं, ये सवाल भी रिपीट हो रहा है, जवाब भी साथ साथ आ रहा है। जब भी मैं कुछ करने की सोचता हूं तो क्या होता है, मैं डर जाता हूं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कहीं ना कहीं जाकर के अटक जाता हूं, उसको बार बार छोड़ने का मन करता है, फिर भी मैं लगा रहता हूं, चलता रहता हूं, चलता रहता हूं, चलता रहता हूं, और फिर कर लेता हूं। ऐसे आपने सीए कर लिया, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत मुश्किलें आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप चलते रहे, आपने हार नहीं मानी। इन अदर वर्ड्स अभी वही हुआ जो अभी जिसकी हम बात कर रहे थे। आप गिरे, खड़े हुए, गिरे, खड़े हुए, गिरे, खड़े हुए, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, धीरे धीरे चलना आ गया, सीए बन गए, सीएस कर लिया आपने, ये सब चीजें हो गई। अब आपने क्या किया, अब आपने बिजनेस शुरू कर लिया। अब बिजनेस में भी दोबारा से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और बहुत आ रही हैं, बार बार आप गिर रहे हो, बार बार गिर रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, फिर बार बार गिर रहे हो, फिर खड़े हो रहे हो, अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। तो वही करो जो आपने सीए में किया था, चलते रहो बस, और कुछ नहीं है। हार नहीं मानना, हार नहीं मानना, एंड बी फ्लेक्सिबल, बी फ्लेक्सिबल। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ लोग ये समझते हैं चलते रहने का मतलब कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें रिजल्ट नहीं भी मिल रहा तब भी उसको करते चले जाएं उसी तरीके से, ये नहीं है। मैं कह रहा हूं काम करो, आपके अंदर से आ रहा है कि मुझे बिजनेस ही करना है, बिजनेस करो, लेकिन जिस तरीके से आप कर रहे हो अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रही, किसी अलग तरीके से करो, फिर किसी अलग तरीके से करो, फिर थोड़ा अलग तरीके से करो, बी फ्लेक्सिबल। देखो जिस भी चीज में इस दुनिया में लाइफ है वो फ्लेक्सिबल है, देखने में स्टिफ लगेगी लेकिन वो फ्लेक्सिबल है। पेड़ से लेकर के, इंसान से लेकर के, किसी भी जानवर को देख लो, किसी भी पौधे को देख लो, कुछ भी देख लो, फ्लेक्सिबल है। यहां से वहां से वहां से, जिसमें लाइफ नहीं है वो फ्लेक्सिबल नहीं है। बी फ्लेक्सिबल। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, सिंपल सा एग्जाम्पल है। यहां पर इमेजिन करो कि दो बाउल पड़े हुए हैं और दोनों के अंदर हम पानी को उबालते हैं अच्छे से, 20 मिनट तक पूरा खौलने लग जाता है पानी दोनों तरफ से। इधर ले जा करके हम एक आलू को डाल देते हैं पानी के अंदर और थोड़ी देर बाद बाहर निकालते हैं, क्या होगा? आलू जब गया था, नहीं गर्म तो होगा ही, गर्म पानी में गया तो गर्म हो जाएगा, बट साथ में क्या होगा कि जब आलू गया तब तक बहुत स्ट्रांग था, उसको आप ठंडे पानी में रखो तो स्ट्रांग है, मतलब पॉजिटिव सिचुएशंस में रखो जब सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा वो चाहता है तो बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल हार्ड है। जैसे ही ऐसी जगह पे गया जहां एडवर्स सिचुएशंस है, जहां प्रॉब्लम्स है, वहां पर खत्म हो गया, उसको बाहर निकालो कचूमर बन जाएगा, उसका भरता बन जाएगा आलू का, बुरी हालत, ऐसे ही होगा, उसको बाहर निकालोगे। दूसरी तरफ, एक तरफ पानी खोल रहा है उसमें ले जा करके आप एक चम्मच चीनी को डाल दो, क्या होगा?
बन जाते हैं और उसके 10 मिनट बाद आप चीनी को निकालने की कोशिश करो, नहीं चीनी ने क्या किया, उस खराब सिचुएशन में आलू गया, स्ट्रांग गया और वीक बन के बाहर आ गया। चीनी ने क्या किया, एक खराब सिचुएशन में अंदर गई, चाहे अच्छी सिचुएशन में गई, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। आप सक्सेस में डालो चाहे फेलियर में डालो, दोनों को सक्सेस बना देगी। पानी में से आप चीनी को निकाल नहीं सकते, फिर वो पानी नहीं रहा, वो चाशनी बन गया, वो चीनी ही बन गया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। तो बनना है तो ऐसे बनो, ऐसे बनो। याद है लास्ट लाइक सेमिनार में मैंने क्या बोला था कि मैं नहीं मानता, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू गांधी जी, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्या करना चाहिए, अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। यही तीन रास्ते हैं जहां से वो नेगेटिव एनर्जीज अंदर जाती है, यही तीन रास्ते हैं। इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ। सोक्रेट्स का नाम सुना है सबने? ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम फ्रॉम ग्रीक, ही वाज अ ग्रीक फिलोसोफर। एक बार उनके पास में एक आदमी आया और आकर के उसने बोला, बड़ा एक्साइटेड, जैसे हमारे साथ भी कई बार होता है कि कुछ लोग आ जाते हैं आकर के अपनी कुछ बात बताने के लिए, बड़ा एक्साइटेड होकर के सोक्रेट्स के पास में आया, मैं आपको ना एक बात बताने वाला हूँ, आपको सुन के बहुत मजा आएगा। सोक्रेट्स ने हंसते हुए उससे बोला, कहते कोई बात नहीं, मैं तुमसे तीन सवाल पूछने वाला हूँ, अगर उन तीन में से एक का भी जवाब हाँ हुआ तो मुझे बता देना, मैं सुनूंगा तुम्हारी बात को आराम से बैठ करके। पहली बात, पहला सवाल, क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में, जिसके बारे में भी तुम बताने वाले हो, क्या वो सच है? वो सोच में पड़ गया, कहता हाँ शायद, शायद सच है, शायद शायद नहीं। कहता अच्छा, मतलब सच नहीं है, शक है, और शक को सच नहीं बोल सकते, मतलब कि सच नहीं है। दूसरा, क्या जो तुम मुझे बताने वाले हो उस आदमी के बारे में वो कुछ अच्छा है? कहता नहीं नहीं क्या बात कर रहे सर, बल्कि अच्छे का उल्टा है, कुछ बुरा है। अच्छा रहेगा उल्टा है, उसका बुरा है, कुछ बुराई करने वाला, कुछ बुरा बताने वाला। बोलो कोई बात नहीं, दो क्वेश्चन हट गए। तीसरे का भी अगर जवाब हाँ हुआ तो मैं सुनूंगा तुम्हारी बात आराम से बैठ करके। क्या जो बात तुम मुझे बताने वाले हो वो यूजफुल है, क्या मेरे किसी काम की है? वो थोड़ा सोच के बोला, ऐसा नहीं। तो सॉक्रेट्स ने उस आदमी को देख करके आराम से स्माइल पास करी और हंसते हुए एक लाइन बोल करके वहां से चले गए। कहते क्यों सुनूं मैं तुम्हारी ऐसी बात जो ना तो सच है, ना वो अच्छी है, ना मेरे किसी काम की है, क्यों सुनूं भाई? मेरी लाइफ का फंडा क्या है, मैं आपको बताता हूं मेरी लाइफ का सीक्रेट क्या है। मैं दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करता, कहीं भी कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता, मैं सिर्फ खुद पे काम करता रहता हूं, खुद को बदलता रहता हूं, खुद को ठीक करता रहता हूं। और मैं किस तरीके से चीजों को देखता हूं, दो तरह की चीजें हैं इस दुनिया में, एक वो जिसके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, मैं बदल सकता हूं उसको मैं सुनता हूं और उस पर काम करके उसको बदल देता हूं। दूसरी वो जिसमें मैं कुछ नहीं कर सकता या मेरे काम की नहीं है, उसको सुनता ही नहीं, देखता ही नहीं उसको। हर एक का अपना एक काम है जो उसको मिला हुआ है। हम क्या गलती करते हैं, हम जाकर के हजार चीजों में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आकर के कोई मेरे से पॉलिटिक्स की बातें करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मुझे नॉलेज ही नहीं है। आप मेरे से आकर के नाम पूछोगे ना कि ये कौन है, मेरे को ये नहीं पता हमारे एरिया का एमएलए कौन है, आई सिंपली डोंट नो, मुझे नहीं पता किस कंट्री में क्या नई गॉसिप चल रही है, क्या नया हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ ये पता है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। सारा फोकस यहां है, यहां नहीं, सिर्फ मेरा एक टाइम था कि मैं अगरबत्ती बेचता था, एक टाइम मेरा लाइफ में अर्ली अगरबत्ती बेचते थे, हाँ साइकिल में। अब मैं मैनेजमेंट कर रहा हूँ, MBA कर रहा हूँ, आई चेज माई ड्रीम, वन ऑफ ड्रीम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं बहुत कुछ ऐसा है कि जिसमें मन नहीं लगता है, जैसे पढ़ाई में हो कि कोई काम में हो,
कि मन नहीं लगता है, क्यों करूँ इसको, कोई इमोशनल नहीं है इसमें. तो एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट भी है लाइफ में. जैसे आप मानो कि एक बच्चा पढ़ रहा है, उसका मन नहीं लग रहा है, तो उसको कैसे फीलिंग्स आएगा, उसको कैसे इंस्पायर करूँ, मतलब वो जो इमोशन है उसमें कैसे पुट करूँ उसमें. वेरी नाइस. तो वो नहीं आएगा ना, तो वो इम्पोर्टेंट है, तो उसको कैसे मैं इंस्पायर करूँ उस बच्चे को. क्योंकि इसीलिए सर देखा जाए तो क्लास में कोई फास्ट आता है इमोशनल के लिए, कोई लास्ट आता है. तो मैं इस चीज को, इस मोटिवेशन को और इस मेकानिज्म को कैसे उसको ठीक किया जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ. थैंक यू सर. बेसिकली जब अंदर से इमोशंस नहीं होंगे, एनर्जी नहीं होगी किसी काम को करने की, तो लेजीनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, करने का मन ही नहीं करेगा. जब मन नहीं करेगा तो हम उस काम को नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो अटक जाएंगे. तो अब बेसिकली सवाल ये है कि कैसे आप किसी और को मोटिवेट करो. अब यहां पर आप चाहे किसी और को मोटिवेट करो चाहे खुद को करो, तरीका सेम है. बेसिकली करना क्या है कि अगर आप चाहते हो कि कोई सामने वाला आदमी इस चीज को करे, फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि वो बच्चा पढ़ाई करे, वो बच्चा चाहता है कि मैं ना करूं. सारे बच्चे ऐसे होते हैं मेरे जैसे, पढ़ाई में किसी का इंटरेस्ट नहीं होता है ना, बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है. एक चाहता है कि करूं, एक चाहता है ना करूं, छोड़ दो पढ़ाई को, पीछे चले जाओ, ये देखो कि वो बच्चा क्या चाहता है, वो बच्चा चाहता क्या है, उसे समझने की कोशिश करो, उससे बात करो, उसके साथ बैठो. प्रॉब्लम क्या है, देखो यहां से हम बोलते हैं ये कर, वो बोलता है मैं नहीं करूंगा, क्लैश शुरू हो गया. ऐसे ही हम अपने साथ भी कर रहे हैं, दिमाग कहता है ये कर, दिल कहता है अरे नहीं मैं नहीं करूंगा, अटक गए. तब उसका सोल्यूशन क्या है कि आपको यह देखना है कि वो बच्चा, चाहे वो बाहर है बच्चा, चाहे वो आपके अंदर एक बच्चा है जो अंदर बैठा है, वो कुछ करना चाहता है, चाहे वो बाहर कुछ करना चाहता है, आपको सिर्फ ये पकड़ना है कि वो क्या करना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है. उस बच्चे से पूछो, वो बच्चा बताएगा, कहेगा मेरा मन ना ये पढ़ाई वढ़ाई में नहीं है, मेरा मन है पायलट बनने का, मेरा मन है हवा में उड़ने का, मेरा मन है ये करने का, मेरा मन है बस जाकर के स्काई डाइविंग करने का, मेरा मन है ये करने का, मेरा मन है वो करने का. वो अपने सारे सपने आपको बताएगा. दोबारा पूछो, अच्छा जब ऐसा होगा तो फिर क्या करेगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा. बेसिकली जैसे जैसे आप उससे पूछते चले जाओगे, उसको भी क्लियर होता जाएगा, आपको भी क्लियर होता चला जाएगा कि उसको क्या चाहिए. जैसे ही आपको क्लियर हो गया तो उसको पढ़ाई से जोड़ दो, पढ़ाई को उसका एक रास्ता बना दो वहां तक पहुंचने का, कि भाई तू पायलट बनेगा, क्योंकि वो वही बनना चाहता है ना. जबरदस्ती उसको क्यों पढ़ा रहे हो, वो नहीं बनना चाहता, लेकिन तभी बनेगा जब थोड़ा सा पढ़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरा क्वेश्चन है, मैं खुद तो ऑलवेज जो भी हाल, जो भी सिचुएशन में खुश रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ. हाँ, जब अपना मन का नहीं होता है, सबके साथ होता है, वैसे मेरे साथ होता है, मगर दो मिनट बाद हो गया, भूल जाओ, आगे बढ़ो. मैं उस तरह का नेचर वाली हूँ. मगर मैं सोचती हूँ कि मेरे साथ जो है वो पूरा नेगेटिव, जो भी सिचुएशन में अच्छा सोचने के बदले गलत सोचते हैं, वो देख के मुझे बुरा लगता है कि ये लोग ऐसे क्यों सोचते हैं. तो अगर उसको मुझे कुछ अपना, आप बोलते हैं ना बच्चे को पढ़ने बैठा हो नहीं बैठेंगे, अब बड़े लोग को भी वही हाल है कि ये आप गलत सोच रहे हैं, ये आपका सोच बदल, ये नहीं बदलेंगे, राइट. तो मैं भी अपना सोच बदल, अपने ऊपर वर्क करके मैं खुद बदली हूँ. अब मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ वाले भी थोड़ा थोड़ा उसका अपना फ़ायदा लें, तो वो करने के लिए मुझे क्या करना है? इसका देखो दो जवाब हो सकते हैं. एक तो हो सकता है कि मैं आपको मीठी मीठी बातें कर दूं जो आपको सुनने में अच्छी लगेगी, एक है कि मैं सच बोल दूं. क्या बोलूं भाई, सच बोल दूं. आप अगर चाहो भी तो किसी और को नहीं बदल सकते, बात ही खत्म. जब आप सामने वाले को बदल ही नहीं सकते तो आप कैसे कंट्रोल करोगे कि वो आपके लिए, आपके साथ में अच्छा करेगा या बुरा करेगा. तो आप खुद को चेंज कर सकते हो, और खुद को चेंज किस तरीके से करना है, एक्सपेक्टेशंस को बीच में से हटा दो. या तो किसी के लिए कुछ करो ही मत. ऐसे मेरे बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन एंड में एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी मेरे साथ में कुछ करे, कि मैंने उसके लिए इतना किया और वो देख मेरे साथ में क्या करे. तो भाई किसने कहा था तेरे को करने के लिए, किसने कहा था, मत करता, मत कर. तूने उसके लिए नहीं किया, तूने अपने लिए किया, क्योंकि तुझे वो करने में खुशी मिलती है. तो उस पर बिल क्यों फाड़ रहा है, उसके ऊपर क्यों डाल रहा है, सीधी बात है ना, सिंपल. मतलब ये मैं कर रहा हूं, ये मैं आपके लिए नहीं कर रहा, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मैं कौन हूं, मैं यही करने के लिए बना हूं, इसी के लिए जी रहा हूं, इसी के लिए मरूंगा.
जब मैं ये चीज जान गया हूं तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, वो एनर्जी मेरे को रिलीज करनी है जो चल रही है अंदर से, इसलिए मैं इस चीज को कर रहा हूं। तो अब अगर मैं ये कर रहा हूं और मैं बीच में एक्सपेक्टेशन डाल दूं कि देखो मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, इंडिया के लिए इतना अच्छा कर रहा हूं, आप लोगों के लिए इतना अच्छा कर रहा हूं, आओ जी मेरी तारीफें करो, क्या होगा, क्या होगा, परेशान रहूंगा। अब अगर आप जाकर के देखोगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, बहुत सारे आपको नेगेटिव कॉमेंट्स भी मिलेंगे, मैं उसको देखता हूँ, हंस लेता हूँ आराम से देख करके, रत्ती पर भी फर्क नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव कमेंट का ना नेगेटिव कमेंट का, इसके लिए थोड़ी करो भाई। ऐसे ही किसी के लिए कुछ करो तो वो जो बोलते हैं ना कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से, भूल जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो थोड़ी डिफरेंट टाइप की सवाल है। मैं एक सेल्स कंपनी में काम करता हूँ और आई एम देयर विद द कंपनी फॉर लास्ट 7 ईयर्स। हर साल मेरी प्रमोशन होती है, हर साल मेरे को ग्रोथ मिलती है, पैसे की मतलब एवरी ईयर आई गेट अ गुड बोनस, माई वाइफ इज देयर शो मी। तो आज से 2 साल पहले वो एक जगह नौकरी करती थी, तो अचानक ने वो नौकरी छोड़ दी। तो मैं भड़क गया कि भाई क्यों तुम अपनी नौकरी छोड़ रहे हो। शी सेड आई डोंट वांट टू डू इट, आई हैव सम डिफरेंट प्लान्स, मेरी खुद की कोई लाइफ है। तो मैं तो कामयाब बनते रहा, हर साल ग्रोथ, हर साल पैसे बढ़ रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद मेरे को भी एक ऐसा लगा कि दिस इज नॉट द लाइफ विच आई वॉन्ट टू, बेसिकली इट्स नॉट द मनी ओनली, आई हैव सम मोर प्लान्स। बट अनफॉर्चुनेटली जब मेरे को जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उसमें से मेरे को जब ऑफर आया, तो वो जो पैसा या जो भी चीज़ मेरे को ऑफर कर रहे थे, दैट वॉज टू स्मॉल टू रन माई फैमिली, बट दैट इज़ वॉट आई एक्चुअली वॉन्ट टू डू। मेरे को पता नहीं मतलब और कितने जन ये फेस किए होंगे कि जब आपको जो चीज़ आप करना चाहते हो वो एहसास होती है, तब आपके आपको एक बैक फोर्स खींच लेती है कि यार अभी तो बहुत देरी हो गई है, आप आगे बढ़ के भी पीछे आने की रुक जाते हो। फिर मेरे को आई डिनाइड दैट ऑफर बिकॉज दैट वॉज सो स्मॉल दैट आई कुडंट रन माई फैमिली फॉर दैट, क्योंकि मेरी एक ऑलरेडी सेट ऑफ लाइफस्टाइल बन चुकी है। फिर अभी एक ऐसी सिचुएशन में हम लोग हैं, लाइक आई सी हर, शी अर्न्स ऑलमोस्ट 1/10 टाइम ऑफ मी, बट शी इज 1000 टाइम्स हैप्पियर देन मी बिकॉज शी इज डूइंग व्हाट शी वांटेड। एक लाइव एग्जांपल आप सबके सामने है, आई एम, तो अनफॉर्चुनेटली मैं एक ऐसा सिचुएशन में भी खड़ा हूँ जहाँ एक तरफ में मेरे पास आई एम गेटिंग गुड ऑफर्स विच इज ऑफरिंग मी 3 times, 4 times ऑफ माई पैकेज, बट ऑनेस्टली आई डोंट वॉन्ट टू ज्वाइन देम, आई रियली वॉन्ट टू ज्वाइन दी थिंग विच विल नॉट फीड माई स्टमक बट विच विल फीड माई हार्ट, योर सोल एंड योर हार्ट, एग्जैक्टली, एंड दैट इज द वे गोइंग फॉरवर्ड, वो एक रास्ता है। नाउ सर आई रियली नीड सम हेल्प, नाउ हाउ टू मूव ऑन टू दैट, बिकॉज क्या है कि वॉट आई फील दैट मैंने उस समय उसको एक बैकअप दिया था कि ओके यू गो इट आई एम देयर, पर मेरे बैकएंड में देयर इज नोबडी टू से यू गो अहेड एंड आई एम देयर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये ना बड़ी गंदी उधेड़ बुन होती है ना, हम करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, जो कर रहे हैं उसको भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसके अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल हमारी अडेप्ट हो चुकी है, हमको वो बेयर मिनिमम करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, अब क्या करें, फंस गए आइदर और, ये किया तो वो गया, वो किया तो ये गया। तो सबसे पहली चीज जो मैं इसमें कहूंगा वो हमेशा याद रखना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वन, प्यार है किसी से, अगर आप चाहते हो मैं उसके साथ में रहूं पूरी जिंदगी के लिए, तो जो अट्रैक्शंस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिज एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल, तो जो अट्रैक्शन है कहीं पर और, तो उन अट्रैक्शन को छोड़ना ही पड़ेगा अगर चाहते हो इसके साथ में, तो पाने के लिए भी छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो हाथ उठा करके पूछे, सर आई एम रियली कंफ्यूज्ड, यू नो ये जो मेरे साथ में लड़की बैठी, आई डोंट नो हाउ टू से आनी के तो मार, आमी के तुम्हारी बोलते हैं ना, मैंने गलत सही बोला, सही है, सॉरी नाइस बंगाली, आमी बांग्ला जानी, <Nice Bengali. laughs>
लेकिन आमा बस इतनी ही बांग्ला जाने, इससे ज्यादा नहीं जाने। सैक्रिफाइस करने ही होंगे, और वो आपको देखना है टोल करके कि क्या आपको ज्यादा भारी लगता है। मेरे लिए प्यार ही प्यार है, बाकी सब चीजें गई मेरी भाई, मेरी भाई वो सिर्फ प्यार देते हैं प्यार। अब आ जाते दूसरे पॉइंट पे, क्या ऐसी सिचुएशन में क्या करें। मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप क्या करो, मैं ये बता देता हूं कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा इट्स पॉसिबल, कि ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। हम क्या सोचते हैं कि अगर ये है तो ये है, ऐसा नहीं है। अभी आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है, जहां पे आपको उसी लाइन के अंदर 3 times पैकेज ऑफर किया जा रहा है। बट जो आप करना चाहते हो, मुझे नहीं पता आप क्या करना चाहते हो, बट व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर यू लव डूइंग, अगर आप कोशिश करना शुरू कर दोगे, आज आप एक जगह पे गए, 10 जगह जाओ ना, 100 जगह जाओ ना, 1000 जगह जाओ ना, किसने रोका है, आई वोंट बी सरप्राइज कि आपको अगर वहीं पे जो आप करना चाहते हो वहां पे 6 गुना सैलरी मिलेगी। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, पीपल लुक एट थिंग्स एंड से व्हाई, आई से व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, क्यों क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। देखो हम एक मिथ है, एक बोलते हैं ना कि सभी को सब कुछ नहीं मिलता, सभी को एक मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन नहीं मिलती, किसी को आसमान नहीं मिलता। मैं कहता हूं क्यों, क्यों नहीं मिलता। अगर आप खुद ही जमीन हो, आप खुद ही आसमान हो, काम खत्म। नहीं मिलता मान लिया, जमीन बन जाओ, आसमान बन जाओ, हवा बन जाओ, पानी बन जाओ, जो बनना है वो बन जाओ, फिर देखो कौन रोकता है। तो ये सिर्फ हमारा अपना माइंड है जो हमको रोक रहा होता है, और इसे एक जीता जागता एग्जांपल आपके सामने खड़ा हुआ है यहां पर, सब कुछ है क्या नहीं है। ये हम अपने माइंड से ही रोकते हैं। मेरी जगह आप जाकर के किसी और को देखो, वो कहेगा यार इतना बड़ा बिजनेस है, इतने सारे काम है, फैमिली भी है, ये भी है, वो भी है, ये सारी चीजें हैं, कैसे मैनेज होगा। मैं कहता हूं आसान है, आसान है भाई, मैं बोलता नहीं हूं, प्रैक्टिस करता हूं फिर बोलता हूं ताकि वो अंदर से आए। आसान है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, करो, निकलो आगे बढ़ो। और ऐसे ही होते हैं काम, ऐसे ही होते हैं, जब आप बढ़ने लग जाते हो ना, बढ़ने लग जाते हो, रास्ते अपने आप खुलते चले आते हैं, खुलते चले आते हैं। यू नीड टू बी वेरी श्योर कि आपको पहले तो चुनना क्या है। तो इसके अगर 2 स्टेप देखे जाए, सिंपल ये है, आपको चुनना है कि मुझे प्यार को चुनना है या जो काम मैं कर रहा हूं, दैट इज वॉट यू आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। दैट अट्रैक्शन भी छोटा वर्ड है, दैट इज वॉट यू आर एडिक्टेड टूवर्ड्स, मतलब वो एक एडिक्शन बन चुका है, एक लाइफ स्टाइल बन चुका है, कंफर्ट जोन बन चुका है। तो कंफर्ट जोन को चुनना है या प्यार को चुनना है, प्यार को चुनना है तो कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वन, वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, हाँ ठीक है, तो आप शुरुआत करो, उसको छोड़ो मत, शुरुआत करो, धीरे 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 वो प्यार आपको अपनी तरफ खींच लेगा और एडिक्शन पीछे रह जाएगा। गिर गया तो क्या हुआ, वही तो चलता है, तो चलता है। अरे बस इतना सा करना है, उठकर फिर से चलना है, तो चलो।